ये जो येलो स्पॉट्स है ना, ये डायबिटीज के अर्ली स्टेजेस में आता है, पर दाग के बगल में एक नया घाव बन रहा है। जब भी आप आई डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक फंडस टेस्ट या फिर फंडस फोटो करके एडवाइस किया जाता है, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है वही मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आँख का एक फ्रंट पोर्शन होता है और एक पीछे का पोर्शन होता है। फ्रंट पोर्शन को चेक करने के लिए हम इस मशीन को यूज़ करते हैं। आप जो ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हैं वो हमारा फ्रंट पोर्शन का ही मैग्नीफाइड व्यू है, यानी कि जो ब्लैक पार्ट होता है, वाइट पार्ट होता है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हमने आँख का फ्रंट पोर्शन देख लिया है, अब हमें आँख के पीछे का पर्दा देखना है, तो उसको बोलते हैं रेटिना टेस्ट या फिर फंडस टेस्ट। और उसको हम इस मशीन से इस तरह से डार्क करके हम देखते हैं लेंस के थ्रू। ये फंडस टेस्ट करते हुए, यानी कि आपके पर्दे को टेस्ट करते हुए, अगर हमें कुछ भी एबनॉर्मल चीज़ दिखती है आपके पर्दे पर, कोई भी डिजीज़ दिखता है, कोई स्पॉट दिखता है पर्दे के ऊपर, तो हम आपको कैसे दिखाएं? तो वो दिखाने के लिए हम फंडस फोटो एडवाइस करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्पॉट है ये नॉर्मल स्पॉट नहीं है, तो यहाँ पे एक एज रिलेटेड कुछ चेंजेस हो गए हैं पर्दे के ऊपर, तो ये हमें दिखाना आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि हमें तो ये मशीन पे आसानी से दिख रहा था, पर आपको भी दिखाना ज़रूरी होता है। जैसे कि दोनों आँख का फोटो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्कार है, दाग है, ये दाग इस आई में नहीं है। और ये दाग, जैसे अभी का फ़ोटो हमने लिया तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे दाग है। तो अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं होगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे पास आएंगे तो हमें याद नहीं रहेगा कि कहाँ पे वो दाग था, किस तरह का दाग था। ये दूसरा फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ येलो स्पॉट्स हैं। तो ये जो येलो स्पॉट्स है ना, ये डायबिटीज़ के अर्ली स्टेजेस में आता है। तो अगर हमारे पास ये फ़ोटो नहीं होती और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि डायबिटीज़ की वजह से आपके पर्दे पे जो असर हुआ था वो कितना बढ़ रहा है, किस हिसाब से आप डायबिटीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ये रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। जो इस आँख में मैं आपको दाग की बात करी थी कि दाग बढ़ जाता है, तो जब पिछले बार ये पेशेंट आए थे हमारे पास तो यहाँ पे दाग था, तो यहाँ पे आपको दाग दिख रहा है, पर दाग के बगल में एक नया घाव बन रहा है। तो इससे मुझे आइडिया लग गया कि इनका पहले क्या सिचुएशन था और नया घाव कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है। जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्लीडिंग स्पॉट है, एक रेड स्पॉट दिख रहा होगा, और यहाँ पर वो स्पॉट नहीं है। तो क्लिनिकली देख के हम जो ओपीडी में देख रहे हैं मशीन के थ्रू, उसमें तो हमें पता चलता ही है, बट यहाँ पे बहुत ही वेल डिफाइंड चीज़ें पता चल जाती है, और आपको भी दिखाने में, आपको समझाने में हमें बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आई होप आपको ये फंडस टेस्ट का डाउट क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।